आज बात करेंगे, क्या आपको ज्यादा पसीना आता है? पसीना ज्यादा आना अच्छी चीज है या बुरी चीज है? क्या इसके कोई बेनिफिट होते हैं या कुछ नुकसान ही होते हैं इसके? अगर आपको ज्यादा पसीना आता है तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, पूरी सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए। व्हाई? बिकॉज इट इज स्वेटिंग इज नेसेसरी और अननेसेसरी फॉर आवर बॉडी। सो बेसिकली जो गर्मी के दिन होते हैं ना, उन गर्मी के दिनों में हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म है ना, उपापचय, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उससे क्या होगा, शरीर की जो है ना बॉडी मेंटेनेंस जो टेक्निक होती है ना, वो डिस्टर्ब हो जाती है। कैसे होती है? आपको पता है ना, हमारे शरीर में वजन का 2/3 भाग सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म होता है। वो लिक्विड या तो पानी के रूप में रहेगा या वसा फिल्ट के रूप में रहेगा। और हमारी जो आंखें है ना, आंखें, ये जो है ना जॉइंट्स, ये जो लिगामेंट्स होते हैं, इनमें जो सारी चीजें, जो लिक्विड जो आता है ना, वो इसी 2/3 पार्ट ऑफ लिक्विड से ही बॉडी में जनरेट। बॉडी की जो एक्सक्रीटरी ग्लैंड है ना, वो पसीने के रूप में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करनी। आपको तो पता ही होगा 36-37 डिग्री हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसी में सारी बॉडी के अंग है ना वो जिंदा रहते हैं। अगर कम या ज्यादा टेम्परेचर होगा तो शरीर बीमार पड़ जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट पे काम नहीं कर सकता है। तो बॉडी इस चीज को मेंटेन करने के लिए, एक्सक्रीट के लिए या बाहर के जो टेम्परेचर को दबाने के लिए क्या करेगा, वो बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा। और उस पसीने से क्या होगा, आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा। आपने देखा ही होगा गर्मी के दिनों में जब हवा का थपेड़ा आता है ना, वो आपको लगता है, तो ये जो एक्सेस पसीना है ना, यही पसीना शरीर की बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है। फ्रेंड्स, अगर ये जो एक्सेस पसीना अगर आपको नहीं आता है ना, तो आपको स्किन की बहुत ही सीवियर दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए अगर आपको पसीना नहीं आ रहा है तो आपको एलर्जी हो सकती है, दांत खाज खुजली हो सकती है, तो तुरंत ही आपको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए या फिर आप हमसे कंसल्ट करिए। हम आपको बेस्ट से बेस्ट ओपिनियन प्रोवाइड कराएंगे हमारे कंसल्टेंट के साथ में। हम भी ओपिनियन कर सकते हैं आपको इस रिगार्डिंग हमारी बेस्ट ट्रिक के साथ में, और हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे हुए हैं। सो और भी आपको कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।